तो आज हम लोग स्टार्ट करना है अल्काइन। लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे अल्किन, और अल्किन में हम लोग देखे थे कि डबल बॉन्ड का पोजीशन भी बताना होता था। तो जैसे अल्किन में हम लोग पढ़े थे एकदम सेम तरीका है अल्काइन में, कहीं कुछ अंतर नहीं है। बस अल्किन में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। नहीं, जैसे अल्किन में हम लोग ENE लिखते थे, उसी तरह से अल्काइन में हम लोग क्या लिखेंगे, YNE लिखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग बाबू, हेडिंग देना अल्काइन। अल्काइन तो अल्काइन की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। देखो जैसे लिखने का तरीका क्या होता है, तो हम लोग जो अल्क है, अल्क में हम लोग क्या जोड़ेंगे, YNE जोड़ेंगे। तो सबसे बड़ा बात यह है कि इसमें भी हम लोग को ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन पता होना चाहिए ना, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन अगर चेंज करेंगे तो नाम चेंज हो जाएगा। तो किस पोजीशन पे है ये हमको बताना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा। नहीं तो हम बताए थे, ध्यान दो बाबू, नाम कैसे लिखेंगे, पहले जैसे हम लोग नाम लिख लेते हैं, बेस नेम। बेस नेम का मतलब है जिसके आधार पर हम लोग नाम देंगे। तो अगर हम बेस नेम की बात करें, बेस नेम तो नाम देने का तरीका क्या होता है, देखो तो पहला जो है लिखते हैं एक्स अल्काइन, एक्स अल्काइन, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको अल्क एक्स आइन, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा ये कब लिखेंगे, जब कार्बन कार्बन के पास क्या, इफ कार्बन कार्बन वन ट्रिपल बॉन्ड, और एक ही ट्रिपल बॉन्ड हो तो ऐसे लिखते हैं, कार्बन कार्बन क्या हो, वन ट्रिपल बॉन्ड। दूसरा है अगर दो आ जाएगा तो क्या करेंगे, दो अगर आ जाता है तो लिखते हैं एक्स वाई अल्का डाई आइन, या ऐसे भी लिख सकते हैं अल्क एक्स वाई डाई आइन लिखते हैं, नहीं डाई आइन लिखते हैं। ये कब लिखेंगे, जो तुम्हारे पास क्या हो, कार्बन कार्बन क्या हो, टू ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड जहां, और बात करें बाबू ध्यान दो, जहां एक्स एंड वाई आर पोजीशन ऑफ किसका, पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ क्या हुआ, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। नहीं तो जैसे हम लोग अल्किन के केस में क्या किए थे, अल्किन के केस में हम लोग नंबरिंग किए थे, एकदम सेम तरीका है, कहीं कुछ अंतर नहीं है, बस ENE के जगह पे हम लोग क्या यूज कर लेंगे, YN यूज कर लेते हैं। चलो ध्यान दो देखते हैं, लिख लो इसको जरा, तो सबसे पहले अगर बात करें रूल्स फॉर नंबरिंग, नंबरिंग के लिए बात करें, ध्यान दो, रूल्स फॉर नंबरिंग, और नंबरिंग के लिए अगर हम बात करें तो नंबरिंग का तरीका क्या होता है। नहीं तो जैसे डबल बॉन्ड में क्या था, हम लोग उसका पोजीशन कंसीडर करते थे, सबसे पहले हम लोग हेंड्स रूल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे लगाते थे, यहां पे हेंड्स रूल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को ढूंढेंगे, सबसे पहले किसको ढूंढेंगे बाबू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अप्लाई करते हैं, अप्लाई हेंड्स रूल ऑन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लिख देते हैं, ऑन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सबसे पहले इस पे अप्लाई करते हैं। नहीं जैसे तुमको ध्यान दो, जैसे यहाँ पे CH3 दे दिया, C ट्रिपल बॉन्ड CH2, यहाँ पे मान लो सब्स्टिट्यूएंट दे देता है, नहीं यहाँ पे CH3। तो सबसे पहला काम हम लोग हमेशा क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन, तो ये तुम्हारा पैरेंट चेन है, ये तुम्हारा क्या है, पैरेंट चेन है। सबसे पहले किसको ढूंढेंगे बाबू, ट्रिपल बॉन्ड को, हाथ रखो अंतिम छोर पे, जैसे चले यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मिला कि यहाँ पे तो 1 2 3 4 5, नहीं इधर से नंबरिंग करेंगे। चलो और मान लो सिचुएशन ऐसा आ जाए कि दो दो ट्रिपल बॉन्ड हो, नहीं दो दो ट्रिपल बॉन्ड, मान लो यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ पे H2 C ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे आ जाता है, नहीं तो इसमें क्या कहानी है, देखो बाबू इसमें तो ये है
कि जैसे इसमें पेरेंट चेन है नंबरिंग करेंगे तो जैसे हाथ रखे यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड मिला, यहाँ पे भी मिला नहीं, अभी इसमें हमें एक सब्सिट्यूएंट जोड़ देते हैं नहीं, तो अब और ट्रिपल बॉन्ड सबसे पहले ढूंढेंगे, और नहीं पता चलेगा किधर से जाएंगे तो फिर हम लोग कैसे ढूंढते हैं बाबू, सब्सिट्यूएंट के द्वारा, और ये फेल हो जाएगा इफ क्या हो, इफ फेल हो जाए तो हम लोग क्या ढूंढेंगे, हेंड्स रूल कहाँ अप्लाई करते हैं, अप्लाई ऑन कार्बन कार्बन, अप्लाई ऑन सब्सिट्यूएंट, उसके बाद क्या ढूंढेंगे, सब्सिट्यूएंट को ढूंढेंगे। अच्छा ये भी फेल हो जाएगा तो, ये भी फेल हो जाए तो हम लोग गो अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली कैसे जाएंगे, गो अल्फाबेटिकली। अच्छा ये भी फेल हो जाएगा तो, ये फेल गो बाई आइदर साइड, कैसे जाएंगे गो बाई आइदर साइड नहीं, तो पहले तो इसको लिखो उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएगा तो फिर कैसे करेंगे, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लिखो तो जरा से इसको, लिखो जल्दी, नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे बाबू फंक्शनल ग्रुप, वहां से मेन हम लोग स्टार्ट हो जाएगा। और ध्यान दो जितना ये सब अल्कीन अल्काइन ये सब हम लोग 9th में तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हो, एकदम ये बेसिक चीज है तो इसको थोड़ा सा एकदम दिमाग में रखना, क्योंकि और ये नहीं आएगा तो फिर हम लोग बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन जो होगा वो हम लोग उसको नहीं कर पाएंगे। तो चलो देखो कुछ एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, ध्यान दो बाबू, जैसे नाम लिखना है हम लोग को CH3CH2C CH, इसका नाम लिखना है पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। दूसरा है CH3CC, यहाँ पे CH3HC CH, इसका नाम लिखना है नहीं या थोड़ा सा, चलो ठीक है इसका नाम लिखना है। एक और क्वेश्चन है CH3CC नहीं, उसके बाद CH3 यहाँ पे कैच देते हैं, फिर यहाँ पे भी एक CH2 CH3 देते हैं, और सी उसके बाद H C CCH, देखो C CCH, चलो इसका नाम बताना, तीन ही क्वेश्चन करते हैं तो इसका नाम बताना है। तो सबसे पहले काम हमेशा की तरह वही करते हैं सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन कौन सा है देखो, तो इसमें तो ये तुम्हारा इसमें तो सब सिचुएंट है ही नहीं, सीधा से एक चेन है ये तुम्हारा पेरेंट चेन। सबसे पहले किसको ढूंढोगे, ट्रिपल बॉन्ड को, दोनों अंतिम छोर पे हाथ रखो, जैसे हाथ रखे यहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड मिला और यहाँ पे नहीं मिला, तो इस हाथ पे ना पहले मिला तो 1 2 3 और क्या होगा 4। अब नाम लिखेंगे तो नाम लिखने के लिए क्या तरीका है, या तो एक्स अल्काइन लिखो, या उससे बेहतर ये है कि अल्क एक्स वाई वाई एन लिखो, आइन लिखो। देखो तो यहाँ पे क्या है, देखो तो कितना कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को क्या लिखेंगे, ब्यूट, उसके बाद क्या होगा 1 आइन, ब्यूट 1 आइन लिखेंगे। चलिए इसमें जरा देखो, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बस ध्यान दो, दोनों अंतिम छोर पे हाथ रखो, सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड ढूंढो, तो जैसे हाथ रखे इस हाथ पे भी ट्रिपल बॉन्ड मिला और यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड मिला, बात नहीं बना। अब सब्सिट्यूएंट को ढूंढो, फिर आगे चले यहाँ पे भी सब्सिट्यूएंट नहीं मिला, और फिर गए तो दोनों हाथ पे एक ही चीज मिल रहा है, ये हाथ पे भी वही चीज मिल रहा है, इस हाथ पे भी वही चीज मिल रहा है, तो और कहीं तुमको अंतर नहीं नजर आए, दोनों हाथ एक ही चीज को सपोर्ट करे, तो जिधर से मन करे उधर से जाओ, क्या है सही। तो इधर से चलते हैं 1 2 3 4 5, इधर से भी आओगे तो बात क्या होगा, सेम ही होगा। नाम लिखेंगे सबसे पहले, इसका नाम लिखेंगे 3, हमेशा की तरह सब्स्टिट्यूट नाम पहले 3-methyl, उसके बाद क्या होगा 1 1 3-methyl 1 किस पे है 4-penta पेंटा डाई आइन, इसका नाम बताओ। ध्यान रखने वाला चीज इसमें एक ये है कि बाबू जो तुम्हारा पेरेंट चेन होगा उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए, ऐसे
ऐसे मत चले जाना, देखो तो एक दो तीन चार पाँच छः है, एक दो तीन चार पाँच छः, तो हम लोग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिस चेन में आते हैं उसी को हम लोग क्या मानते हैं, पेरेंट चेन मानेंगे। अब चलो नंबरिंग करो, तो जैसे ट्रिपल बॉन्ड को ढूंढना है तो जैसे हम लोग यहाँ पे हाथ रखे, देखो तो जैसे यहाँ पे हाथ रखे नहीं, तो यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड मिला, यहाँ पे भी मिला, बात बना नहीं। फिर आगे गए तो यहाँ पे तो कुछ नहीं मिला, फिर आगे गए तो इस हाथ पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, इस हाथ पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है और आगे रास्ता बंद है, दोनों हाथ पे एक एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन लेकिन बाबू दोनों अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों हाथ पे एक एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, पहले तो हम लोग ट्रिपल बॉन्ड ढूंढने फेल हो गया, अब सब्स्टिट्यूएंट ढूंढने एक एक मिल रहा है फेल हो गया, अब कैसे जाएंगे, अल्फाबेटिकली जाएंगे। तो इधर से बाबू ये तुम्हारा ईथ है और ये तुम्हारा मीथ है, तो किस किधर जाएंगे, इस साइड से जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 क्या नाम देंगे बाबू इसको बताओ जरा सा, 3 ethyl, उसके बाद क्या होगा 4 methyl, 3 ethyl 4 methyl, उसके बाद 1 और कितने पे है 5, 1 5 1 2 3 4 5 6 हेक्सा डाइआइन हो जाएगा ना, आसान है, बहुत ही आसान। चलो लिखो, कुछ एग्जांपल और देखते हैं, रिंग में जरा सा जोड़ के देखते हैं, हालांकि रिंग में तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, चलो ये क्वेश्चन है नहीं, यहाँ पे वो एक हम लोग ऐसे जोड़ देते हैं, चलो इसका नाम बताना है, चलो कोशिश करो जरा सा, तो कर लिए, देखो बन गया होगा, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन कौन सा होगा, देखो तो एक कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 यही तो तुम्हारा पेरेंट चेन होगा, ये तुम्हारा पेरेंट चेन हो गया। नहीं, नंबरिंग किधर से करोगे ये बताओ, नंबरिंग किधर से करोगे, उस साइड से या इस साइड से। तो सबसे पहले किसको ढूंढेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को ढूंढेंगे, ढूंढो ट्रिपल बॉन्ड को, देखो हाथ रखे यही पर ट्रिपल बॉन्ड मिल गया, तो 1 2 3 आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, 4 5 6 7 6 7। अब किसका नाम पहले लिखोगे बाबू बताओ, तो ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट है, 3 कार्बन का रिंग है और ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट है, तो कितने पे देखो, तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे सी साइक्लो, ये साइक्लो है ना, सी पहले आता है, ये ईथ है, तो अल्फाबेट में ई बाद में आता है, सी पहले आता है, तो कैसे नाम लिखेंगे बताओ, तो 3 साइक्लो अप्रोप, और सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या लगाएंगे, YL, तो 3 साइक्लोप्रोपाइल, इसमें क्या करेंगे 4 इथाइल 4 इथाइल, पेरेंट चेन कितने कार्बन का है, देखो बाबू 7 कार्बन का, तो ऐसे लिखो ना, क्या दिक्कत है, या XY लिखो या क्या लिखेंगे बाबू, हेप्ट कैसे लिखेंगे, 1 5 1 5 डाइआइन, हेप्ट 1 5 क्या होगा, डाइआइन नहीं, तो मेरे ख्याल से तुम लोग कर सकते हो, बहुत आसान चीज है। अब चलो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम लोग सीखना है, चलो ध्यान दो, देखो यहां पे सबसे पहले हम लोग कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सिचुएशन ऐसा हो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो तुम्हारे पास, सिंगल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो, सारे बॉन्ड अगर आ जाते हैं तो नाम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं बाबू बेस नेम का, जिसके आधार पर हम लोग नाम लिखेंगे, तो बेस नेम का सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, तो बेस नेम कैसा होगा बोलो, बेस नेम लिखेंगे तो अल्क एक्स इन भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग ई को गायब कर देते हैं, नहीं तो अल्क एक्स इन और क्या होगा वाई आई,
यहां पे बेस में लिखोगे तो क्या अल्क एक्स इन, एक्स इन और वाई आई, जहां पे यहां पे एक्स क्या है बाबू, ये पोजीशन है किसका, पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, और वाई तुम्हारा क्या है, पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का, ये पोजीशन है एक्स और वाई। अब जैसा ध्यान दो, अब इसमें दो केस आता है, यही चीज थोड़ा सा हम लोग को समझना है, और इसमें हम लोग बात करें देखो तो इसमें दो केस आएंगे तुम्हारे पास। पहला केस वन में जैसा देखते हैं, दो केस वन में क्या होता है, केस वन, दूसरा क्या है तुम्हारे पास केस टू, केस सेकेंड, नहीं दोनों में देखो क्या है, हम लोग ये हो सकता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजिशन पे हो। अब तुम्हारे पास सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड होता था तो दिक्कत नहीं होता था, डबल बॉन्ड भी होता था तो दिक्कत नहीं होता था, अब दोनों है और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे हो तो डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। याद रखो केस पहले में क्या मान के चल रहे हैं, इफ इफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एट सेम पोजिशन, एट सेम पोजिशन, सेम पोजिशन पे हो, नहीं इफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एट सेम पोजीशन, एक पोजीशन पे हो। दूसरा क्या मान के चल रहे हैं बाबू, इफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एट डिफरेंट पोजीशन, दोनों का पोजीशन क्या हो, अलग अलग हो, नहीं सिचुएशन देखो कैसे हो, देखो बाबू देखो ध्यान दो, देखो इसे सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, चलो इस तरह का स्थिति हो कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या हो सेम पोजीशन पे हो। सेम पोजीशन पे कहने का क्या मतलब, देखो तो यहाँ पे ये तुम्हारा पेरेंट चेन है, इसमें तो कोई ब्रांच है ही नहीं, सिर्फ पेरेंट चेन है, देखो तो जैसे हाथ रखोगे तो यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड मिला और यहाँ पे क्या मिला, एक डबल बॉन्ड मिला, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे क्या मिला, डबल बॉन्ड, दोनों जगह मिला ना बाबू, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे, तो एक पे भी ट्रिपल बॉन्ड भी एक नंबर पे मिल रहा है और डबल बॉन्ड भी एक नंबर पे मिल रहा है, तो दोनों का पोजीशन क्या है, सेम है। तो इस केस में क्या करेंगे, इन दिस केस क्या करेंगे, प्रायोरिटी ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये ज्यादा होता है क्या, प्रायोरिटी ऑफ किस से, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से, नहीं मतलब इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका मतलब डबल बॉन्ड की तरफ से जाएंगे, तो किधर जाएंगे, वन वन टू थ्री फोर फाइव, नाम बताओ तो कैसे लिखेंगे, बेस नेम लिखने का तरीका क्या है, अल्क, अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, तो वन टू थ्री फोर फाइव, तो पांच कार्बन को क्या लिखते हो, पेंट देखो तू, और एक्स ई एन ई यानी कि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड वन पे, तो वन इन उसके बाद क्या हो जाएगा, फोर आइन, वन इन और क्या हो जाएगा, फोर आइन, इसमें इफ कार्बन डबल बॉन्ड एट डिफरेंट पोजीशन, तो इसमें क्या करेंगे, देखो बाबू इसमें लोएस्ट पोजीशन नहीं, हम लोग कहां से जाएंगे, जो तुम्हारा लोएस्ट पोजीशन होगा इसमें हम लोग लिख सकते हैं, इन दिस केस लोएस्ट पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, नंबरिंग हम लोग किधर से स्टार्ट करेंगे, लोएस्ट पोजीशन हो, लोएस्ट पोजीशन मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किधर से पहले मिलता है, जैसे देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बाबू लिखते हैं सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड दे देते हैं सी एच एच सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये हो गया। सबसे पहले ढूंढो किसको ढूंढोगे बताओ जरा सर, यहाँ पे सी एच डबल बॉन्ड, चलो किसको ढूंढोगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ढूंढो किसी को ढूंढो, हाथ रख के चलना शुरू करो, जैसे हाथ रखे यहीं पे ट्रिपल बॉन्ड मिल गया, तो बाबू ट्रिपल बॉन्ड जो पहले मिलेगा और अलग अलग पोजीशन पे है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फिर से बोल रहे हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अलग अलग पोजीशन पे है, तो जिसका पोजीशन सबसे लोएस्ट होगा सबसे कम होगा उसी से वही उसी साइड से हम नंबरिंग करेंगे, तो हाथ रखे इधर मिला तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, चलो बात करते हैं इसका नाम का, तो क्या होगा, हेक्स, हेक्स
बाबू इसका बताओ हेक्स क्या होगा, डबल बॉन्ड कितने पोजिशन पे है, फोर पे तो फोर इन उसके बाद वन आइन, फोर इन वन आइन। तो ये कहानी था किसका, डबल बॉन्ड हो और फिर क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड नहीं। तो कुछ क्वेश्चन देते हैं तुम लोग, जरा से इसको कोशिश करना, तो 8-10 क्वेश्चन देते हैं, लिखो पहले इसको। चलो ध्यान दो, देखो क्वेश्चन लिखो, होमवर्क जरा सा कुछ व्हाट्सएप में बना के सब भेजेगा सब, ठीक है। चलो ध्यान दो, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बनाना सर 6 नंबर। चलो हो गया, चलो इसको बना लेना सर, ठीक है बन जाएगा ना क्वेश्चन, नहीं रह सकता इसको। नेक्स्ट क्लास हम लोग सारी चीजें आगे सीखेंगे और उसके बाद हम लोग सीखेंगे अपना नाम कैसे लिखेंगे केमिस्ट्री में, नहीं बहुत आसान चीज है, चलो इसको लिखो, बता भी देते हैं, लिखो जिसे केमिस्ट्री में सबको अपना नाम लिखना है, नोमेनक्लेचर्स करना है, अपने अपने नाम का नोमेनक्लेचर्स करना है, बड़ा आसान चीज है, कर सकते हो, सब लोग कर सकता है। देखो प्रॉब्लम किसके नाम में आएगा, जिसके नाम में बी आएगा, बाईसाइक्लिक कंपाउंड हम लोग पढ़े नहीं है, नहीं बाकी जिसके नाम में बी नहीं आएगा सब लोग अपना अपना नाम लिख के हमको सेंड करेगा, ठीक है। चलो जिसे कैसे नाम लिखेंगे, जैसे मान लो मेरा ही नाम लिखना है, देखो तो ए एम आई ये नाम लिखना है अमित, नहीं कैसे लिखेंगे देखो जरा सा। तो अब सबसे पहले ये देखो, तो बाबू हम नहीं पढ़े थे, ये मान लो रिंग है कि यहाँ पे लगाए कि यहाँ पे, तो कैसे नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 रिंग, यही ना तुम्हारा पैरेंट चेन होता था, 1 2 3 कैसे नाम लिखेंगे बताओ। तो एक 1 पे सब्स्टिट्यूएंट, एक 2 पे, तो 1 2 डाइमिथाइल 1 2 डाइमिथाइल साइक्लो प्रोपेन, सिंगल सिंगल बॉन्ड साइक्लोप्रोपेन, ये क्या होगा 1 2 3 4 5 यही तो है बाबू ये, नहीं तो इसको हम लोग सिंपल से क्या लिख सकते हैं, पेंटेन। ये तुम्हारा क्या, देखो ना दो कार्बन है, एक यहाँ पे सी एल थ्री तो क्या है तुम्हारा इथेन, ये देखो तो 1 2 3 1 2 3 दो पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो 2 मिथाइल और क्या हो जाएगा प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो बहुत आसान है, सब लोग लिख सकते हैं। इसे क्यू लिखना है, क्यू लिखना है तो क्यू ऐसे लिखना सर, नहीं आर लिखना है, आर ऐसे लिखेंगे, आर का देखो तो 1 2 3 4 क्या होगा 1 1 1 1 डाइमिथाइल साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा, नहीं डी लिखना है तो डी कैसे लिखोगे, डी ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 1 4 डाइमिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। तो मेरे ख्याल से हो सकता है, नहीं कर सकते हो ना, तो जो होमवर्क दिए थे और अपना अपना नाम तुम लोग क्या करोगे लिख के भेजोगे तुम लोग, ठीक है चलो लिख लो।